थैंक यू सर। हम वही प्रक्रिया 3 बार करेंगे, लेकिन अब श्वासों को लेकर अंदर होल्ड करना है, अंतःकुंभक जिसको कहते हैं। तीसरी बार ओम नहीं बोलना है, श्वासों को रोकना है, होल्ड करना है, और देखना है कि हम 3 बार में कितना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी गुलाब सर ने बताया, इस बात का भी ध्यान रखते, इस तरह से हट करते हुए हमें स्टेमिना बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा समय होल्ड रखना है। रेस्टर, कमर गर्दन सीधी रहेगी और हाथों की मुद्रा हमारी ध्यान मुद्रा स्टार्ट। अब जब हम तीसरी बार श्वास लेंगे तो ओम नहीं बोलना है, और हमारी चीन को यहाँ पे इस तरह से गर्दन को नीचे झुकाना है, जिसको बंद बोलते हैं, बंद लगा के उसको रोकना है और देखना है कितनी देर हम रोक पा रहे हैं। दो बार और करेंगे ना सर अभी? क्या जी सर, ये कट हो गया था, मेरा पता नहीं क्या हो गया था, मेरा है ना हाँ, कट हो गया था सर। नेट जैन सर ने बताया नेटवर्क प्रॉब्लम था, सभी कट हो गए, फिर हो गया होगा। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो कई देर में दबाया तो वो जुड़ा ही नहीं। चलिए, अब ओम वाले पे आ गए हैं। हाँ, वो अंदर रोक के रखने वाला, एक बार हो गया है, दो बार हो हाँ, गया। अभी एक बार राजेंद्र जी, एक बार सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखे क्या हुआ, और दूसरा गगन जी, मैंने आपको कल बताया था पानी वगैरह जो भी पीना है पहले, आप इतने साथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। दूसरा मनीष जी, मैं देख रहा था आपने जो लॉक लगा रखा है, मनीष जी आप नहीं कर रहे, लॉकिंग नहीं हो पा रही, क्या है थोड़ा सा बताएं प्लीज, यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो। नहीं सर, लॉकिंग करना इस बार भूल गया, बट अच्छा ये क्या अच्छा है कि मेरे को नीचे से करने की बजाय मैं अगर वहीं नॉर्मल रह के करता हूँ तो ज्यादा अंदर सांस जा पाती है। देखो ऐसा है, अब हम ऊपर से हम सांस लेते हैं नॉर्मली, होता क्या है जब हम नीचे झुकते हैं उसमें तरीका क्या है, देखिए आप तरीका समझिए, उससे आपको इजी होगा। जैसे मैं नीचे झुका, मैंने अभी सांस नहीं लिया, कुछ नहीं किया, जब मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हूं तो मैं ब्रीथ इन, सांस लेता 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 ऐसे सीधी पोजीशन पे आ गया, यानी कि सांसों भर रहा हूं, तो क्या है? मुझे समय मिल गया, कुछ सेकंड्स मिल गए मुझे फिलअप करने के लिए। फिलअप करने के बाद फिर मैंने एकदम होल्ड किया, क्योंकि जब प्रॉपर ढंग से मेरे लंग्स के अंदर एयर फिलअप होगी, जब भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो हमें प्रेशर डालना है, यदि हम ऊपर से करेंगे तो नॉर्मल ले ही रहे हैं,
हमें उसमें उससे ज्यादा एक्स्ट्रा एयर को भरना है अपने लंग्स के अंदर, जिससे लंग्स हमारे खुले। पर्पस ये ठीक है ठीक एक दो बार है करके देखें, होगा जरूर आपसे। ठीक है ठीक। सर एक बात पूछनी थी, जब हम लॉक लगाते हैं तो पेट अंदर होना रहना हेलो। चाहिए, वो पेट में भी खिंचाव आता है, या पेट को फ्री छोड़ दें उस नहीं, टाइम? आपने जैसे लॉक लगाया अभी, तो आपने क्या है, ब्रीथ इन किया है, अंदर भरा है, तो पेट तो फूलेगा। हम सांस निकाल नहीं रहे ना, जब हम अंदर को सांस खोल निकाल रहे रहे तो पेट के अंदर एयर भर गई, और जब सांस निकलने का टाइम है ना, मैंने लॉक कर लिया, मैं सांस निकलने ही नहीं दे रहा, तो अंदर खिंचाव आएगा, आने दो। वो अपने आप बॉडी, क्योंकि एयर जो है वो प्रेशर तो मारेगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलने के लिए प्रेशर तो बनाएगी बनाएगी, बनाने दो। उससे क्या है, हमारे अंदर की नसें खुलना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि बॉडीज के अंदर भी रिएक्शंस होंगे, और इसका कब पता चलेगा, जब आप फ्रेश होने जाएंगे, आपको उस समय महसूस होगा कि मेरी बॉडीज के अंदर कुछ हुआ है। ठीक है जी, राजेंद्र जी कराएं। 2 बार और करेंगे हम। तीसरी बार ओम ना बोलते हुए हमें श्वासों को रोकना है और लॉक लगाते हैं। एक बार और करेंगे, टाइम एक तो मिनट, हम। एक मिनट राजेंद्र जी, वीना पाल जी, जी आपकी गर्दन साइड में जा रही थी, क्या कारण था? तो मैंने सांस रिलीज किया ना, उसके लिए साइड में ली। अच्छा, साइड रिलीज किया था। आपने कितना किया अभी, कितनी देर तक आप होल्ड कर पाए? 50 किया, 15, 15, 50 50। 50। आप काउंट कैसे करते हो सर ऐसे 1 2 3 करके। ना, हमें घड़ी सेकंडों के हिसाब से काउंट करना है। या तो आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहां वॉल क्लॉक लगा लो, जब टिक टिक की साउंड आती है उस साउंड के हिसाब से हमें काउंट करना है। अदरवाइज तो क्या है, हर बंदे की अपनी अपनी स्पीड होगी, 1 2 3 4, और जैसे जैसे होल्डिंग बढ़नी शुरू होगी उतनी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है, वो काउंटिंग नहीं। जैसे हाँ सर, हमारी जो सेकंड की साउंड है, टिक टिक टिक, 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से काउंटिंग करनी है, जब भी हमें पता ओके चलेगा हमारा स्टेमिना क्या है। ठीक है जी राजेंद्र जी। एक बार और करना हमें। कमर गर्दन का विशेष ध्यान रखें, सीधी रहे कमर गर्दन, और हाथ सर जोड़ना।
तीसरी बार ओम नहीं बोलना है, श्वास लेकर हमें लॉक लगाते हुए श्वास रोकना। देखा है हमारी डॉक्टर भावना जी बड़ी फास्ट है, हिलना भी शुरू कर दिया, अभी से सेटिंग करनी शुरू कर दिया। अब हम दो पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो वीना पाल जी और एक कविता जी, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि जब हम झुकते हैं हमारी जो गर्दन है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका 180 डिग्री। हम क्या करें, हम झुकते हैं ना तो उस समय गर्दन को झुका रहे हैं, वो नहीं करना। जिस एंगल पे हम हैं उसी एंगल पे सीधा झुकना है, उसी एंगल से सीधा ऊपर आना है। गर्दन लास्ट में क्या है, गर्दन झुका देते हैं, वो नहीं झुकानी, आपको ध्यान रखना। वो बिल्कुल अपना 180 डिग्री पे आप खड़े हो जाओ और फिर, सर हिलना कब है ऐसे? हाँ जी, सर वो आगे का पोर्शन आएगा, वो जब हमारी होल्डिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, जब हम जा मान लो 30, 40, 50 तक पहुंच जाएंगे सही में, फिर हम उसके एडजस्टमेंट करते हैं कि भी एक डब्बे के अंदर और कितना माल और भर सकते हैं। जैसे दाल चावल भरते तो हिला इतना था, थोड़ी सी जगह बन जाए, थोड़ी जगह, सेम बॉडी का आएगा। लेकिन वो जब आएगा, जब हमारा स्टेमिना बनना शुरू हो जाएगा। अभी हमने शुरू किया है, जो आपके पास ट्रेनर बैठे हैं ना, जैसे गुलाब जी हैं, इनको 20 साल हो गए हैं, ये तो मेरे ख्याल में 300 तक पहुंच जाते हैं कई बार तो, हिला हिला के हिला हिला के हिला हिला के। यदि मेरी हम अभी से करने लगेंगे तो हम एक दिन में 2 दिन में हार जाएंगे, क्योंकि तो ये 1 by 1 का प्रोसेस है, धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी की कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं पहले। सर, ये मैं जैसे आपने कहा होल्ड जो हम करते हैं, क्या हम बिना ओम बोले हुए, जैसे कभी हम मान लो डेली रूटीन में भी वैसे बैठे हैं तो होल्ड कर सकते हैं क्या अपने ब्रीथ को, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओम तो उससे इसलिए पहले बुलाया बोलना जाता है, जरूरी है? ओम इसलिए बुलवाया जाता है, क्या होता है, एक तो स्पीड स्लो रहती है, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो उसमें ओम जब हम बोलते हैं तो उसकी स्पीड जो है स्लो स्लो रहेगी, है ना, इसलिए ओम बोला जाता है। वैसे मैं कहूँ जी सांस छोड़ो तो किसी का कुछ स्पीड होगी, किसी कुछ कुछ तो एकदम छोड़ देंगे, तो एकदम छोड़ दिया, हमें वो नहीं करना। हमें स्लो स्लो, जैसे स्लो स्लो ब्रीथ इन करना है वैसे ही स्लो स्लो आउट करना है, तो उसका एक तरीका निकाल लिया ओम। ठीक है, ओम में और भी फिर तरीके बहुत सारी, जो हमें एनर्जीज मिल रही हैं वो ऑटोमेटिकली मिलती चली जाती है ओम की। तो हमारा मल्टीपर्पज काम है कि हमें अपनी बॉडी को कैसे स्मूथ करना। मैं आपको कल का बताता हूँ, स्वर्ग ज्ञान से ही है। कल मैं पार्टी में था, अभी अभी आपके सामने ही घर पहुंचा हूँ। कल मैं जब रात को पार्टी में पहुंचा तो एक मतलब मेरे रिश्ते में बेटी लगी मेरी, तो वो कहने लगी कि मौसा जी मेरे सिर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन है। मैंने उसी टाइम उसका स्वर चेक किया, मुझे पता चला कि उसका सूर्य स्वर चल रहा था। पानी की बोतल साथ में रखी थी, छोटी छोटी शादियों होती हैं, मैंने इमीजिएट पानी की बोतल ली और उसका स्वर चेंज किया, मतलब 5 मिनट पूरे नहीं हुए थे उसने कहा मुझे रिलैक्स मिल गया पानी Within 5 minutes। पानी की बोतल से सोचे नहीं सर, हम सर, बताऊंगा, जैसे मैं स्वर कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताऊंगा, कि आप कहाँ पर खड़े हैं, वहां पे क्या चीज अवेलेबल है,
अब मैं वहां तो एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता, तो वहां पे क्या चीज मिली कि साड़ी के नीचे बगल के अंदर दबा लो, पता भी नहीं चला किसी को, मेरा काम भी हो गया। तो सिचुएशन के हिसाब से, 1 पर्सन मिला 2 घंटे के बाद, उनकी ये पोजीशन थी कि मैं फंक्शन छोड़ के चला जाऊं, मतलब उसके अंदर इतनी हीटिंग क्रिएट हो रही थी कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं फंक्शन छोड़ के चला, मेरे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। मैंने सिंपल वही सेम तरीका था, उसका स्वर लिया, उसका स्वर चेंज किया, और साथ में हमने उसको चार्ज वाटर पिलाया, और वो पूरा, अब सुबह जब मैं मिल के आया बिल्कुल ओके था, बल्कि इतना थैंक्स बोल रहा था, माँ गॉड को थैंक्स करो कि आपका फंक्शन बढ़िया निपटा विद इन 5 मिनट, मतलब 6 मिनट लगा ही नहीं, उसने 5 मिनट में कह दिया अब मैं रिलैक्स हूं। और जबकि यह था कि आंखें बंद हो रही हैं, मुझे फंक्शन छोड़ के जाना है, और ये पोजिशन हो गई थी कि वो जाने को तैयार थी। तो स्वर विज्ञान एक ऐसे चमत्कार देखे हैं मैंने कि मतलब हम कई बार तो ऐसा लगता है कि सामने वाला कहेगा क्या जादू टोना कर दिया, और जबकि सारा खेल हमारी इंटरनल एनर्जी का है। लेकिन आपको उस समय क्या करना है वहां की सिचुएशन के हिसाब से, वही हमें प्रैक्टिकल करना है। जी दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे दो क्वेश्चन थे। आपने बोला कि जैसे आपको हिलना नहीं है, तो अभी जब मैं होल्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि स्टमक और लंग्स के बीच में, मतलब 30 के बाद, 34, 30, 35 के बाद कुछ हिलता है, तो फिर 6-7 और ब्रीदिंग, मतलब 6-7 सेकेंड और हो जाते हैं। उस तरह से 2-3 बारी होने से लास्ट में मतलब 55 तक ऐसे पहुंच गया, ठीक है, तो वो सिर्फ इंटरनल सी मूवमेंट फीलिंग हो रही है, हाँ ठीक है, वो सर कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ना ना कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हमारा सिर्फ मोटिव क्या रहता है, हम अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस ना दें। या हम करेक्ट स्टार्टिंग में है, ठीक है ना, जी। कई बार क्या होता है हम स्टार्टिंग में ना बहुत जल्दी चलते हैं, जल्दी चलेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि वीडियो ऑन रखो, कि मुझे पता तो जी चले कि कौन क्या गलती कर रहा है, या हम अपने आप में कितना अपडेट कर सकते हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने आप को बिल्कुल गुड अपडेट करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं जब भी हमें समझ में आएगी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये चीज आप उसको करें, आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन दूसरा जैसे ज्यादा स्ट्रेस आए जब भी उसको रिलीज करें। हाँ जी, यह बता। दूसरा ये था कि जैसे सुबह उठते हैं, सुबह तो बिल्कुल एकदम से फ्रेश हैं, ठीक है, लेकिन दिन में लगभग 2-3 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास फिर से थोड़ा स्लीपीनेस बहुत मतलब लग रही है, ओके, आपकी एज क्या या है? तो वो नींद नींद नहीं पूरी हो पा रही है, या तो कुछ और आपकी एज इसकी। कितनी है? 67 67। आप ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में करके देखो एक बार, ओके ठीक खाना खाने के है 2 घंटे के बाद, ठीक है, एक बार करके ओके देखो आपको अच्छा लगेगा। हाँ वीनापाल जी, वो एक्सेल करके रखूं। हाँ जी, कुछ इंटरनेट की दिक्कत चल रही है इस समय। वीनापाल जी मेरी आवाज आ रही है? वीना जी, मतलब इनहेल करके रोकने वाली या एक्सेल करके दोनों रोकने दोनों के, दोनों 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 दोनों? ओके ओके, दोनों 3-3 बारी करने अगर तो हाँ हाँ नहीं। हाँ 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 जी बिल्कुल, मतलब हल्के में, और लंच करने के 2 घंटे के बाद, ओके ठीक ना वीना जी? सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि पार्टी में एक जन को अनइजी फील हो रहा था, तो वैसे ही मतलब मेरी बेटी ऐसा कुछ फंक्शन में गई थी, तो उसे भी ऐसा, मतलब बहुत टाइम तक वहां पे रहने पे उसे भी ऐसा ही लग रहा था, तो घर पे आके तो उसने उल्टी कर दिया था। लेकिन अगर ऐसा सपोज वहां पे होता है तो क्या हम उसी टाइम पे स्वर चेक करके उसे मतलब, बिल्कुल, आप उसी समय कर सकते हैं, और जो हम 5 डे का कोर्स कर रहे हैं
उसके अंदर मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, जी सर, और मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा, खाली ये नहीं बताऊंगा ये करना है, क्यों करना है। मेरे ग्रुप ओके में सर, आप जितने भी पर्सन्स हैं, मेरी कोशिश है कि आप सब मेंटर बने, आप आगे सिखाएं। सिखाएंगे कब? जब मुझे खुद में आता होगा, उसका बेस पता होगा, यानी कि सामने वाला यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक और है सर दूसरा चीज मुझे ये पूछना था कि जी। जैसे अभी ये सर दिनेश सर ने भी बोला कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं, तो खाना खाने के जैसे हम कुछ जैसे वीडियो देख रहे हैं या कुछ मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें नींद जैसा आने लगता है, तो उसमें ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसे मानो खाना खा लिया, देखो इसमें दो तरीके होते हैं, एक हमारा लंच और एक होता डिनर। ठीक है, सही तरीका क्या है, जब भी हम लंच करते हैं, लंच करने के बाद थोड़ा सा हमारा बॉडी जो है स्मूथ हो जाती है, रिलैक्स मोड में चली जाती है। उस समय हमने लंच किया, लंच करने के बाद 100 स्टेप्स हमें चलना चाहिए, घूमना जरूर चाहिए, उसके बाद यूरिन पास करके आना चाहिए, जिससे बॉडी के अंदर जो वेस्टेज है वो हमारा निकल जाए। उसके बाद आपको स्वर का काम करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लेटे, लेफ्ट हैंड साइड लेटेंगे तो क्या होगा, आपका राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा, यदि पहले से चालू है बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप 3 मिनट के लिए आप लेफ्ट की साइड लेट जाएं। उसके बाद आप रिलैक्स में जाना चाहते हैं तो आधा घंटा आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज का। नहीं सर, मतलब जैसे अभी रिलैक्स करने गए तो कभी कभी क्या होता है, आधा घंटे की जगह 1 घंटा 2 घंटा, मतलब उतना टाइम नहीं है करके, तो इसमें बस जितना आपने पहले प्रोसेस बताया, जहाँ तक कि लेट के हम लोग 3 मिनट में स्वर एक्टिव कर लेंगे, तो उसके बाद वो जो लेजीनेस है वो मतलब चला जाएगा ना? वो चला जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर भी, आप क्या वर्क करें। जैसे अब दिनेश जी हैं, उनकी 67 की एज है, ठीक है, अब वो वर्किंग में तो होंगे नहीं, या होंगे तो हल्की फुल्की वर्किंग कर रहे होंगे, तो बॉडी के हिसाब से तो करेंगे ना। आप जो हैं, जी जी आपकी एज, आपकी आपकी कितनी एज है? 39। 39। तो क्या है, आप उनसे बहुत अच्छी वर्किंग कर पाएंगे, ज्यादा टाइम से कर पाएंगे, जो 20 इयर्स के हैं वो और भी ज्यादा कर पाएंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारी एज क्या है, उस समय हमें वर्किंग क्या करनी चाहिए, उसके हिसाब से ही हमें रिलैक्स हो। अब दिनेश जी सर का है, एक क्या है कि उनको थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स करना चाहिए, कभी 1 घंटा, ऑफिस में भी आ गया है आजकल कि भी आपको आधे घंटे का रिलैक्स लेना चाहिए, जिससे एक बार जो है मेंटली आप एकदम रिफ्रेश हो जाएं, जिसे हम कहेंगे, और वर्क करें। सर मतलब कहने का था, फिजिकल वर्क करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, जब नहीं मेंटल नहीं नहीं वर्क करते हैं। आप फिजिकल करो, मेंटली करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। नहीं, मैं बोलना चाह रही थी कि मतलब जैसे मैं फिजिकल वर्क करती हूँ तो ऐसा नींद जैसा नहीं लगता है, लेकिन जैसा मेंटल, जैसा मैंने आपको बोला ना, मतलब कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उस टाइम ऐसा लेजीनेस लगता है, मतलब जैसे नींद जैसा आने लगता है, मैं वो पूछ रही थी आपसे। सपोज अगर सोने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आप जैसे कंप्यूटर में बैठे, आपको लगा लेजनेस आ रही है, इमीजिएट आपको अपना स्वर चेक करना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, जोन सा चल रहा हो उसको चेंज कर दो, ओके सर, राइट चल रहा है लेफ्ट कर दो, लेफ्ट कर चल रहा है राइट। उसका मीनिंग क्या है कि जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो इससे मेरी रिलैक्स मोड की है, तो मैंने रिलैक्स मोड को लेके दूसरी जो भी अपोजिट थी एंड थी उसको मैंने चालू कर दिया, यानी कि एक्टिव एनर्जी को मैंने इनहेल कर लिया, बस। ओके सर, ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जैसे हम स्टेट बैठे हैं तो थोड़ी देर के बाद ना, जैसे जैसे काफी देर स्टेट बैठे रहे तो शाम तक आते रहते ना, मेरी बैक बोन में ना पेन होने लगता है। बैकबोन में पेन इसलिए होता है कि आपको आदत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी बैठते हैं हमेशा झुक के ही बैठते हैं, ठीक है ना, अब ये धीरे धीरे करना है,
सही मायने में जब हम रात को सोते हैं ना बेड के ऊपर, तो ये जो फोम वाले गद्दे आने लगे हैं ना, ये गलत है। ये जितना कम फोम होगा उतना बेटर है। और यदि आप सीधा उस सर पर सो जाए, कहते हैं फट्टे पे सीधा फट्टा हो स्ट्रेट, उसके ऊपर आप सो के देखो कुछ दिन। कुछ दिन शुरू में 2 4 5 दिन दिक्कत आएगी, या गद्दे का जो है सॉफ्टनेस उसको कम करना शुरू कर दो आप। और जिस दिन फट्टे पे नींद आनी शुरू होगी और आप सुबह फ्रेश उठे, फिर देखना एक लाइफ का मजा कुछ और हो। और आप ये भी देख लेना, जितने भी साधु संत हैं हमारे, मोदी जी जो हैं, ये जमीन पे अपने दरी बिछाई और उसके ऊपर सोते हैं, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे स्ट्रेट। वहां पे क्या है कि जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर उसका एयर का फ्लो चला जाता है। बहुत सारी चीजें इनके अंदर आती है। तो इस पर ठीक है, तो हम नेक्स्ट करें। राजेंद्र जी यस सर, क्या नेक्स्ट नेक्स्ट ले लें। तो में क्या आप हमने दो एक्सरसाइज कर ली जी है ना, एक बार ब्रीथ आउट करके होल्ड किया, फिर दूसरा ब्रीथ इन करके होल्ड किया है, अब थर्ड ले लेंगे। थर्ड में क्या है? में आएगा जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ इन किया, वही उड़ना है। तीन वाला करा। हाँ मैं ब्रीथ इन, अब मैं आपको प्रोसेस याद है आपको सारा, एक बार बता। एक बार बता दें। चलो इसमें क्या होगा, वही हम नीचे झुके सांस को ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ इन करते 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 ऊपर चलते चले जाए, चलते जाए। ऐसे ये कि हमारी बॉडी के अंदर एयर भर रही है और मैं आसमान की तरफ उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ। अपने अंदर भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, और काउंटिंग करते चले जाओ स्टार्टिंग से। अब देखो कितनी देर तक आप काउंटिंग कर पा रहे हो, कितनी देर तक आप ब्रीथ इन कर पा रहे हो। आंख बंद करके ये रखना कि मैं एकदम कहीं एक पहाड़ी इलाके के अंदर इस समय हूं और पहाड़ के ऊपर बैठी हूं और मैं ब्रीथ इन कर रही जी हूँ। आसमान चारों तरफ एक सुंदर सा माहौल, सूर्य ऊपर है और बहुत ही सुनहरा जो है आपका सीन देख रहे हैं, और आप एयर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और आसमान में उड़ते चले। तो ऐसे भाव अपने अंदर लेके आप देखो, आपको मजा आएगा, काउंटिंग भी बहुत होगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, नीचे झुक के भी कर सकते हैं और आप स्ट्रेट में भी, आपको रिलैक्स लगे स्ट्रेट में भी आप कर सकते
मिनट, चैट बॉक्स में लिखें कितनी काउंटिंग आप कर पाए। सर मेरा टाइम बढ़ते जा रहा है। अभी जब एक्सेल करके रुकते हैं ना, उसमें 52 तक जाता है, और जब इनहेल करके रुके थे, लॉक किया था, उसमें 62 तक चला गया मैं। और अभी अभी जो किया ना अपन ने उड़ने वाली में, उसमें भी 62 तक गया मैं श्वास लेते हुए। बड़ा अमेजिंग सर लगा मुझे, मुझे कुछ बहुत ऐसा लग अच्छा। रहा है आपकी काउंटिंग गलत है कहीं ना कहीं, स्टॉप वॉच लेके बैठा हूँ। तो उसमें टिक टिक की साउंड आ रही है क्या? नहीं, वो जब श्वास लेता हूँ तो उसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, इसमें ना ये इससे अच्छा ना आप एक वाल क्लॉक लगाओ। मैं समझ गया, ठीक है, वाल क्लॉक लगाओ, उसमें और मजा आएगा आपको। जब सराउंडिंग साउंड होती है ना कोई, और जब उसको हम सुनते हैं, उसमें एक अलग मतलब कहते हैं म्यूजिक वाला सीन आता है। टिक वो निकाल। टिक टिक क्या है, हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही है। जो चीज हम कर रहे हैं हम उसी रिदम में होना शुरू हो जाओ, अपने आप को उसी रिदम में, जैसे टिक फिर ऊपर टिक 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 कि हाँ, हमें वो अच्छा ऊपर है। लेके जा रही है। मतलब हमें हाँ, अपने आप को उसी हिसाब से फीलिंग लेके आनी है, कि ये जो टिक टिक कर रही है मुझे कह रही है और बढ़ और अपने हाथों को भी कर सकते हैं आप। किसी को लगे ना अपने ये भी लेके बैठा हाथों हूं को करो कि मैं जी। ऊपर 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 ऊपर। ये लेकिन ये आवाज नहीं करती, दूसरी लेके आ जाऊं हाँ, तो दूसरी सेकंड वाली ले लाइफ आओ, सेकंड वाली ले आओ। वैसे जी। नॉर्मली जो सेकंड वाली होती है साउंड आती है, चांस की बात मैं है। एक बात कहना चाहता हूं, एक्सपीरियंस मेरा, कि अभी मुझे, मैंने आपसे बात भी की थी 2 3 दिन पहले, कि मेरी बॉडी में यहाँ पर कुछ बारीक बारीक फुंसियां टाइप थी, इचिंग नहीं था उसमें। मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपको हॉर्पिस जोस्टर हुआ है, जो कि बच्चों को चेचक होता है वैसा आपको हुआ है, इस एज में होता है। बोले 10% लोगों को, बोले इसमें आपको आराम करना है, वो तकलीफ होगी जहां जहां फुंसियां हो रही है, और आप रेस्ट करना और ये दवाई गोली दे रहा हूँ। तो वो क्या है, तो ये जो प्रक्रिया कर रहा हूं ना सर, मैं, मुझे तकलीफ तो बिल्कुल नहीं हुई। मैंने उसको व्हाट्सएप पे भी, अपने यूट्यूब पे भी देखा था तकलीफ को, तो उसमें यही बताया गया था कि बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी आती है, जलन होती है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी से मुझे फायदा हुआ है। मतलब तकलीफ बिल्कुल नहीं है और ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो श्वासों को अंदर भरपूर। यही चीज है, देखो प्रैक्टिस की है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो जी, सॉरी, हमारा जो वीडियो मेल फंक्शन कर रहा है सर, आज पता नहीं क्यों नहीं ऑन नहीं हो हाँ रहा, मुझे लग रहा है कुछ ना मिक्स नहीं है, चल नहीं रहा बता सर, ही है। मालूम नहीं सर। ये जो अब हम इनहेल कर रहे हैं, ये एक थोड़ी देर के बाद, तो ये तो आप ब्रीथ इन कर नहीं पाते, तो आप होल्ड हो जाता है पैसा, मतलब कितनी ज्यादा ब्रीथ इन कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, होगा आफ्टर सर्टेन टाइम वो रुक ही जाता है, देन यू कांट ब्रीद इन मोर ऑफन, ना उसमें रुक जाता है ब्रीदिंग। मान लो रुक भी गया ना, फिर भी आप वहीं पे आउट मत करो, ब्रीथ आउट मत करो ना, होल्ड कर। हनी वो ठीक है, वो कर ही जा रहे हैं, बट वो रुक जाता है, मतलब उसके बाद ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ देन हाँ यू आर इन द सिचुएशन की आप होल्ड करा हुआ है, और फिर उसको आप उसको एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, बट वो स्टॉप जोन में है सर, वो ब्रीद नहीं हो पा रहे। जी। सो दैट्स नॉर्मल, सिंपल हाँ हाँ है। नॉर्मल 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 नॉर्मल। मेरा सर ये जैसे ब्रीद इन में सिर्फ 9 10 तक ही हो पा रहा है, तो कोई नौ कोई के दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ओके ये नॉर्मल है, स्टार्टिंग के अंदर ऐसा ही रहेगा, इतना ही रहेगा। बस ये है कि आउट में
यहाँ पे ना आउट में काफी सारा, लंबा जाता है, मतलब 50-60 तक। यहाँ पे क्या है, फीलिंग लेके आनी है अपने अंदर, ओके फीलिंग लेके आनी है। अब मैं घर में बैठा हूं, आप ये बस ये सोचो, कहीं पे भी आप गए हो, कोई भी आपकी याद है उसके अंदर जाओ, कभी मैं हिल स्टेशन पे गया था, वहां पे इतना सुहाना मौसम था और मैंने वहां पे एक्सरसाइज की, या वहां पे मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ हूँ, अपने आप को वहां पे रख के देखो कि मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ और मैं सांस लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, मैं उठता जा रहा हूँ, उठता जा रहा हूँ, उठता जा रहा हूँ, बस ये फीलिंग लेते चले जाओ। कई बार क्या है, हम सांस देखना शुरू कर देते हैं, काउंटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चले, है ना, काउंटिंग जो होती है वहां पे, जब फीलिंग आप लेके आएंगे तो ब्रीथ इन ही होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, अपनी बॉडी को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा सीधा, उसका जो है फिर हमारे सांसों पे वर्किंग आएगी, हमें फिर आप धीरे धीरे अपने घर की एनर्जी को सेंस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि हर जितने भी हमारे सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर तो आप जमीन पे खड़े होगे, इमीजिएट बताओगे, जमीन पे खड़े होगे कौन सा मेरा स्वर चल रहा है, इस समय क्या चीज अच्छी है, क्या है, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना। अभी 7 का टाइम हो गया है, तो अभी एक दो क्वेश्चंस यदि किसी क्वेरी है तो वो लेते हैं, फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे, और कल कौन मेंटर बनेगा वो रेज हैंड कर ले, सिर्फ पर्पस क्या है, हम कितना याद करें हैं, कितना है, और हमारे में कितना कॉन्फिडेंस है हम एक टीम को लीड कर सके, क्योंकि तो हमें आगे प्रैक्टिस में, ठीक है विकास जी, कल आपका रहेगा, कल विकास जी मेंटरशिप उनके पास रहेगी, ठीक तो अब हम एंड की तरफ चलते हैं। जी राजेंद्र जी, सर क्या मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है अनु जी, लेकिन आपकी वीडियोज ऑन नहीं है। सर ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी मैं 2 बार मैं लॉग आउट भी कर चुकी हूँ, पता नहीं सर। एक्चुअली मेरी एक आंटी है, कल मुझे मिली थी, उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, उनको है ना दोनों पैर में जो वेन्स होती है उनमें बहुत ज्यादा दर्द है और बैक पेन भी है, तो क्या हम सर मतलब कुछ ऐसा बता सकते हैं उनको कुछ? आप एक काम करना, इसके लिए ना हमारे जो वो है गुलाब जी, हाँ जी, आप एक बार उनसे कांटेक्ट करना, उनको इस चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उनको बताना, वो जितना आपको बता पाएंगे आपको गाइड करेंगे, आप क्लिक कीजिएगा। और स्वर का तो बहुत ज्यादा मतलब महत्व है अपने उसके अंदर, अच्छा, ओके, अच्छा, है ना, तो ये चीजें कब आएंगी, जब आप कोर्स पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें वहां पे ना एक एक चीज आएगी आपके सामने, नहीं वो हम एक्चुअली कोई भी बहुत, चीज बताएंगे आपको आधी समझ में आएगी नहीं, जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप पकड़ पाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। और हमारा जो अच्छा सुबह का सेशन चल रहा है ना, ये इसका सिर्फ मोटिव ही यही है। और सही माने जब हमने ये 5 दिन का कोर्स बनाया था तो मॉर्निंग का कोई ख्याल ही नहीं था कि मैं मॉर्निंग में इस टाइप से करूंगा आप लोगों के, ओके लेकिन बाद में दिमाग में आया कि 5 दिन में मैंने लोगों को देखा है, और जब लोगों से बात हुई वो कहते हैं किया था बड़ा मजा आया, उस समय तो बड़ी प्रेज करते हैं, सर आपने बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया करा। 10 या 15 दिन या 1 महीने बाद मिलते हैं, सर हम तो भूल गए, हमें तो ध्यान ही नहीं आया, हमें तो इफेक्ट ही नहीं आया करा। तो जी इसीलिए हमने ये सेशन किया कि हम एक तो प्रैक्टिस के अंदर आ जाए, हमारी बॉडी स्मूथ हो जाए, हम हमारे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाए जिससे हम उन चीजों को समझ सके, जी ठीक जी ये करने से बहुत फायदा हुआ एक्चुअली। मैं मुझे बिल्कुल भी जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन मैं रोज उठ पा रही हूँ, और थैंक यू सो मच, ना। बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहे हूँ मैं अपने आप में इन 7 दिनों में। अब आप मुझे ही देख लो, मेरा इस हफ्ते पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है, और मैं कल शादी में था, वहां पे मैं 3 बजे दोपहर में शादी के घर पे पहुंच चुका था, वहां पूरा रात मैं रात को 2 घंटे सोया हूँ, और 5 बजे का अलार्म लगा रखा था, 5 बजे जैसे ही हुआ, हाँ यहाँ पर एक क्या चीज होती है, यदि अलार्म बजा और आपने एक बार सुस्ती दिखा देना, चल यार 5 मिनट हो बस, फिर तो बदन टूट जाएगा, फिर नहीं उठा जा सकता, और यदि सही बात आपने इमीडिएट एक्शन ले लिया, आप उठ गए, आप देखना बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। जी, 5 बजे बिल्कुल का वहां अलार्म बजा, मैं उठा, और आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे कहीं पे भी किसी भी तरह की सुस्ती या कुछ ऐसे नहीं,
ये स्वर विज्ञान का ही है कि हम अपने अंदर ऑक्सीजन को कैसे, मतलब सिंपल सी बात है, हमें लंग्स को क्लियर रखना है, दैट्स ऑल, और अपने हार्ट की पंपिंग को बेटर बनाना, ये चीज हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, मैं उनका नंबर है या कैसे बात कर पाऊंगी मैम? जी आपको व्हाट्सएप पे डालिएगा, वो कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। जी ओके, थैंक यू सो मच। जी राजेंद्र जी, प्रेयर आपको याद है, क्लियर है थोड़ी सी? सर वो मंत्र बोल सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। हाँ, बोलिए, लेकिन उसके साथ में वो बोलिएगा, लेकिन एक जो प्रे है भगवान से कि सब सुखी रहें, जो मैं आपको बोलता हूँ, वैसे मैं आपको लिखवा भी दूंगा सबके लिए, तो वो एक अच्छा रहता है, मतलब उसमें कि हमारे भावना जो है पॉजिटिव है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आस पड़ोस के लिए, संसार में जितने भी जीव हैं सबके लिए, और उससे बड़ा क्या है कि सबसे पहले हमें प्रणाम करना बहुत जरूरी है। प्रणाम किसको? अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, और नमस्कार करना है जितनी भी आसपास मेरे शक्तियां हैं उन सबको, उसके साथ साथ में जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्री, पंच इंद्री, हम पंच इंद्री के अंदर आते हैं, सबको नमस्कार करना है और अपनी गलतियों की माफी मांगनी। इसे हम कहते हैं, यदि हम आप लोग करते हैं जैन धर्म के अंदर या आजकल तो सभी धर्मों में, इसे कहते हैं प्रतिकर्मण, कि भी पाप होना एक स्वाभाविक है। हम गए, हम गाड़ी में गए, गाड़ी में आए, गाड़ी के अंदर किस जीव की हत्या हो गई, हम जहां बैठे हम सफाई करके नहीं बैठे, कीड़ी मकोड़े पता नहीं किस जीव की हत्या हमारे से हो गई, जबकि हमारे भाव नहीं थे लेकिन हो गई। तुमसे क्षमा याचना करते हैं कि भी मेरे ऐसे कोई भाव नहीं थे, मेरे से जिस प्रकार कोई भी गलतियां हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, है ना? तो ये हमारे अंदर भाव आता है, तो इन भावों के कारण कहते हैं कि अगला भाव हमारा सुधर जाएगा, नहीं तो हम इतने पापों के अंदर ढक जाएंगे कि आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे, पता नहीं कौन सी गति मिले, त्रियंश गति मिले, जानवर बने, क्या बने, तो हम नहीं चाहते हम ऐसी गति मिले, तो हम अभी से अपने आप को शुद्ध करके जाए। सर जी जी, राजेंद्र जी, जी बताएं, बीनापाल जी बोलिए। सर मैं पूछ रही थी, आपने अभी जो लास्ट वाला बताया है, जरा एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या? कौन सा लास्ट वाला? अभी आपने जो एक्सरसाइज करा है ना, ये वाला ब्रीदिंग का हाँ हाँ लास्ट, वो सांस भरने वाला, मतलब हाँ एग्जैक्ट प्रोसेस बताएंगे क्या करना है? इसमें क्या रहता है, फोर्थ वाला ना, जो मतलब ऊपर जा रहे हाँ, हैं अभी अभी जस्ट अभी किया, हाँ, ऊपर वाला। उसके अंदर क्या होता है कि हमें ब्रीथ इन करना होता है, ठीक है, और ब्रीथ इन करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, बस ना कोई होल्डिंग है ना कुछ है, कि कितने अच्छा, सिर्फ देर एक, तक आप ब्रीथ इन करते जा रहे हो और अपनी बॉडी को फुलाते चले जाओ, और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे समझो एक प्लास्टिक का थैली है, थैली को पकड़ा, ऊपर 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 करते चले गए, ऐसे ओके हमें अपनी बॉडी को ऊपर ऊपर करके एयर को फिलअप करना बॉडी के अंदर, मतलब यहाँ इन आउट वाला नहीं है, सिर्फ आपको भरते ही जाना है, भरते जाना, भरते जाना, फिल करते जाना, फिल करते जाना, और जब आपका एक लेबल आ जाएगा फिर उसको रिलीज कर देना है ना? हाँ उसको रिलीज कर दो, जब आपको लगे कि आप स्मूथ नहीं है उसको रिलीज कर दो, ठीक ठीक है। है। जी राजेंद्र जी, वो इतना नहीं बोल पाऊंगा कोई नहीं कोई नहीं, आप ट्राई करो, जी, तभी हाथ अब थोड़ा हम ध्यान उसके अंदर सभी नमस्कार अपने करो। हाथ धोएंगे, नमस्कार मुद्रा में आप सभी पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक जीव के लिए, सभी सुखी रहे। सबसे पहले हम हमारे माता पिता को प्रणाम करते हैं, हमारे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, हमारे इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, और जितनी भी अदृश्य शक्तियां यहाँ पर विद्यमान है जो हमारी सहायता कर रही है, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, और जितने भी जीव है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सभी जीवों को प्रणाम करते हैं और सभी से क्षमा याचना करते हैं कि हमारे हमसे जाने अनजाने में किसी भी तरह की गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे और सभी को सुख शांति मिले। और ये जितना भी हो सबसे पहले मुझसे शुरू हो और सभी को धन्यवाद। ओम शांति ओम शांति शांति। शांति ही शांति ही शांति। आज हमारे राजेंद्र जी ने सारी कमान संभाली थी, बड़ा अच्छा लगा। आपका अनुभव कैसा रहा? आप सभी व्हाट्सएप पर लिखें, वीडियोस कंटिन्यू जो जो रिक्वायरमेंट हैं आपकी यूट्यूब पे डली रही हैं, अपने कमेंट्स वहां पे डालें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भेजें कि जिससे लोग इसको जाने। आज ये विद्या बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, हमें इसको आगे तक फैलाना है, ये हमारी ड्यूटी है। बड़ों ने हमें दी, हमें आगे अपने जो भी हैं मित्र हैं या अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन सबको बताना है कि ये एक विद्या, एक ऐसी विद्या है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ। पैसा है, बीमारी आपके साथ में लगी हुई है तो पैसा किसी काम का नहीं, बेकार है। पैसा कम है लेकिन आप हेल्दी हैं तो आप समझो आपसे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है। तो हमें पैसा भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए और परिवार का प्रेम भी चाहिए, तो सारी चीजें चाहिए। तो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से ये सभी चीजें पा सकते हैं। तो कल हम मिलेंगे 5:45 पर, और विकास जी एज ए मेंटर आपको करेंगे कल, और उसके बाद भी हम देखेंगे कौन कौन मेंटर बनते हैं। देखिए मेंटर बनने से कई फायदे हैं, एक तो हमें पता चलता है हमारे में कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, आप राजेंद्र जी से कल हम बात करेंगे कि उनके अंदर क्या महसूस हुआ और क्या फीलिंग आई। और दूसरा, जब आप लीड करते हैं तो एक अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आता है, यार आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक तो हमेशा सुबह जब उठते हो तो ये जरूर कहना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी कमियों को छोड़ दो, कमियां तो लोग हैं देखने वाले, बाहर वाले लोग हैं बहुत सारे कमियां देखने के लिए। सिर्फ हमें ये देखना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और लेकिन हमें कोई बुरा काम भी नहीं करना। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव।